हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सुगंधा मिश्रा फेमस कॉमेडियन है, एक्टर हैं, हाल ही में वो शादी के बंधन में बंधी हैं और शादी के 8 या 9 दिन हुए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लीगल केस में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं कॉमेडियन और प्लेबैक सिंगर सुगंधा मिश्रा, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शादी में जरूरत से ज्यादा लोग इन्वाइटेड थे और जो वीडियोस सामने आई हैं खुद सुगंधा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं। इतना ही नहीं, उनके जो हस्बैंड हैं संकेत भोसले, उनके साथ भी उनकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और इस दौरान भारी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो सब जानते ही हैं कि कोरोना काल में सरकार ने गाइडलाइंस को फॉलो करने के निर्देश दिए हैं और जो सुगंधा की शादी है वो भी कोरोना काल में हुई है। ऐसे में 40-50 से ज्यादा लोगों को शादी समारोह में जाने की अनुमति है ही नहीं, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई दिग्गज पॉलिटिशियन। लेकिन सुगंधा मिश्रा की शादी में तमाम प्रोटोकॉल्स तोड़ने के आरोप उन पर लगे हैं और इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि शादी के एक दिन पहले पहुंचे बारातियों को पूरे 24 घंटे क्वारंटीन रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, जो सुगंधा मिश्रा और उनकी माँ है उन्होंने ये वादा किया था कि उनकी शादी में ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन ये जो दावे थे ये सिर्फ दावे ही साबित हुए। जमीनी स्तर पर यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और ये जो वीडियोस और तस्वीरें सामने आई हैं ये इस बात के सबूत हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो सुगंधा मिश्रा है उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें, शादी के 9 दिन बाद फगवाड़ा के थाना सदर में सुगंधा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो सुगंधा और उनके परिवार का ये जो दावा था इसे फर्जी साबित हुआ और इसीलिए FIR उनके खिलाफ कराई गई है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सरकार की गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर 40 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, लेकिन इन सभी प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर उल्लंघन किया गया। देखना होगा सुगंधा मिश्रा की मुसीबतें आने वाले वक्त में किस तरह से बढ़ती हैं या फिर वो अपने सफाई में क्या कुछ कहती है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है और साथ ही साथ वीडियोस तो आपने भी देखी होंगी और ना हमने आपको दिखाई ही थी, अब भी आपको दिखा रही हैं। आप बताइए, कोरोना काल में किसी सेलिब्रिटी का अपनी शादी में इतने लोगों को इकट्ठा करना कहाँ तक जायज था।